भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। अब फिलहाल हम आ पहुंचे हैं खानपुर घाटी के उस नाके पर जहां से शुरुआत की जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इसे जूम करा दे। और खानपुर घाटी में इसलिए ज़्यादा नाकेबंदी की जा रही है क्योंकि यहीं से एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा जिस दिन कोरोना पॉजिटिव मिला उसके बाद में पूरी की पूरी टीम यहाँ पर आई स्वास्थ्य विभाग की, और उन्होंने जाँच करने की कोशिश की, तो वो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी उससे हमने आपको रूबरू कराने की कोशिश की। इसके अलावा अब फिलहाल दो दिन बाद में क्या स्थिति है फिलहाल यहाँ की खानपुर घाटी की, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन है जो यहाँ लगाए हुए हैं फिलहाल, उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर आ जाए। इसके साथ ही जब सारी गाड़ियों की चेकिंग हो जाती है उसके बाद ही उनको पास किया जाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जगह जगह नाके पर अलर्ट मोड पर है। और साथ ही जब हम लोग खानपुर घाटी के दूसरे छोर पर गए तो वहाँ पर भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि वहाँ पर किस तरीके से नाकेबंदी की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर बांस लगाए जा रहे हैं और अंदर का जो रास्ता है, अगर मैं कहूँ खानपुर घाटी से सीधा ढाडोले जाने वाला, वो रास्ता पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े व्हीकल्स हैं वो वहाँ से ना निकले। इसके अलावा यहाँ पर जब हम लोग सीधा यहाँ से अंदर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं ये मतलब प्लास्टिक के बैरियर हैं, इनको यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई बांस की सुविधा नहीं। और सुविधा इसलिए नहीं लगाई जा रही है क्योंकि ये सीधा बड़ा रोड है, ये सीधा बड़कली से आता है और सीधा होटल को जोड़ता है ये वाला रास्ता, तो यहाँ पर बड़े व्हीकल जो आते हैं जरूरी काम से जो निकल रहे होंगे, जिनको इमरजेंसी होगी, वो यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि अगर बांस लगा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से निकलने में लोगों को परेशानियाँ होंगी। साथ ही पुलिस प्रशासन को आप देख ही रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपना जो काम है उसको अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप लगातार पुलिस प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूरी तरीके से सहयोग करिए, जिससे इस बीमारी से लड़ने में पूरी तरीके से मदद की जाए, क्योंकि अगर ये बीमारी काबू में नहीं आती है तो फिर हाल बदहाल हो सकते हैं, स्थिति बस से बदतर हो सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमारे पास 21 दिन का जो लॉकडाउन है इसे गुजारने में इतनी परेशानियां हो रही हैं, बड़ी मुसीबतों के लोग सामना कर रहे हैं, पूरी मार्केट से बंद है, पूरे घर में लोग एक तरीके से बंद हो चुके हैं, और सारे के सारे लोग यही चाहते हैं कि इस बीमारी से जल्दी निपटा जाए और जो लॉकडाउन है इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। लेकिन ख़त्म कैसे होगा, किस तरीके से इस बीमारी से लड़ा जाएगा और किस तरीके से सारी चीज़ें पहले जैसी हो पाएंगी, उसके लिए आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। आपको इस पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूरी तरीके से साथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है, स्थितियां और ज्यादा खराब हो सकती है। जितने ज्यादा पॉजिटिव केसेस मिलेंगी उतनी ज्यादा सख्ती होगी और उतनी ज्यादा लॉकडाउन की जो तिथि है उसको बढ़ाए जाने की आशंका हम लोग कह सकते हैं। साथ ही साथ मेरा एक बार फिर से आप सबकी सबसे यही अपील है कि आप इस बीमारी से लड़ने में पूरी तरीके से सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इस जानकारी को पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।